गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ मशरूम की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पे मैं उड़ीसा में लोकली अवेलेबल जो डिमरी मशरूम रहता है उसका मैं यूज़ की हूँ। वो 1.5 किलो लेके हल्दी पानी में डाल के निचोड़ के रखी हूँ। 2 बड़े प्याज को काट के रखी हूँ। 2 बड़े लहसुन को छिल के रखी हूँ। 4 से 5 में यहाँ पे मिर्च रखी हूँ। 1 बड़ा चम्मच जीरा रखी हूँ। 1 छोटा चम्मच पंचफूटन और थोड़े से फ्रेश धनिया पत्ता रखी हूँ। ये मशरूम अगर आपको मिले तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिर्च और लहसुन को अच्छे से कूट के ले लें। यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेके उसमें जीरा और पंचफूटन ऐड कर दी हूँ। थोड़ी देर बाद उसमें प्याज ऐड कर दें, देख सकते हैं। अच्छे से उसे मिक्स कर दें और उसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दें, देख सकते हैं। प्याज में नमक इसलिए डलता है क्योंकि प्याज जल्दी पानी छोड़ देता है और जल्दी रेडी भी हो जाता है। अभी मैं मिर्च और लहसुन को भी ऐड कर दी हूँ। 2 मिनट बाद उसमें सारे मशरूम को ऐड कर दें। मशरूम थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए मैं इसको अभी चलाऊँगी नहीं, उसमें थोड़ा नमक और हल्दी ऐड करके ढक के 2 से 3 मिनट तक रख दूँगी। इससे क्या होगा ना, मशरूम अच्छे से नीचे दब जाएगा और उसको उसके बाद ही मैं चलाऊँगी अच्छे से, देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं ही नमक डालूँगी क्योंकि पहले मैं नमक डाल चुकी थी, देख सकते हैं। 2 मिनट बाद उसको निकाल के अच्छे से मिक्स कर दें ऊपर नीचे करके। अभी और ढकना नहीं है, अभी ऐसे ही खुला छोड़ना है और उसे उसके अंदर से जो पानी निकलता है उसको अच्छे से मार देना है। इसमें देख सकते हैं कितना पानी निकल रहा है। ये जो मशरूम है इसमें से पानी बहुत कम निकलता है और बहुत जल्दी भी ये रेडी हो जाता है, देख सकते हैं। पानी सारा इसमें से चला गया है तो अभी इसे धीरे धीरे करके चारों तरफ से हमें बस कड़क करना है और लाल लाल कलर में कन्वर्ट करना है, देख सकते हैं मैं इस कैसे बना रही हूँ। अगर आपको पानी चला जाने के बाद मशरूम से ये थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कढ़ाई में, देख सकते हैं कैसे लग जा रहा है। ये ऐसे ही कलर आ जाएगा धीरे धीरे कुक करने से। इसको मीडियम फ्लेम में कुक करें। अगर आपको बार बार लग जा रहा है तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऐसे ही आप मस्टर्ड ऑयल चारों तरफ ऐड कर दें, थोड़ी थोड़ी 1 छोटा चम्मच बराबर उसमें ऐड करें और उसको अच्छे से मिक्स कर दें। इससे क्या होगा ना, नीचे लगेगा नहीं और मशरूम का कलर बहुत निखर के आता है, देख सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट ऐसे ही आपको चलाना है और ये जो मशरूम है बहुत इजीली और बहुत जल्दी बन जाता है। और ये रोटी डोसा किसी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो इसका टेस्ट। आप एक बार ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मैं फ्रेश जो धनिया पत्ता ली थी उसको मैं ऐड कर दी हूँ, देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट में ढक के छोड़ दूँगी इसको, जैसे कि इसका फ्लेवर अच्छे से चला जाए। आप एक बार ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये कैसा लगा। देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। मस्ट ट्राई गाइस।